प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, इसमें ये है कि कल शाम को हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ लोग यहाँ से हिरन नुमा सब्सटांस लेके पंजाब जा रहे हैं, तो उसके लिए जगह जगह नाके लगाए गए थे। तो इसी के तहत सुंदरबनी में आईटीआई के पास जो नाका लगा था, तो उन्होंने इस टवेरा गाड़ी को रोका, तो उसमें से ये 22 किलो के लगभग चिट्टा बरामद हुआ। कल भी पुंछ में कोई एक मिलियन इंजर्ड हुआ, तो दो पकड़े गए, उनके पास भी चिट्टा बरामद हुआ 20 किलो करीब। तो उस एंगल को भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो आप दोनों को अपडेट करें। इसमें दो लोग अरेस्ट हुए हैं और दोनों के दोनों वो गुरदासपुर पंजाब के हैं। अभी ये तो FSL में इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा किस क्वालिटी की ये हिरन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी जो वैल्यू है पता लग पाएगी, तो उस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे सर। अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हम सारे चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये पुंछ से लेके आ रहे थे और पंजाब लेके जा रहे थे। अभी तफ्तीश रवा है, तो जैसे जैसे किसी का नाम आएगा तो उसमें हम लोगों को लाएंगे भी, तफ्तीश भी करेंगे, उनसे पूछताछ भी होगी और अरेस्ट भी होगा। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, अगर तो नार्को का केस हुआ तो उसी अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन होगी, हम टेरर एंगल को भी इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे जी। रजौरी पुलिस का क्लियर मोटिव है कि ड्रग्स फ्री हमने रजौरी बनाना है, और उसके लिए हम सारे लगे हुए हैं, हमारे SHO, DSP साहिबान, ASP साहिबान, तो उसी के तहत ये सारी रिकवरीज और सारे अरेस्ट हो रहे हैं।